भारत को मिली पाकिस्तान पर बड़ी कूटनीतिक कामयाबी। ये भारत की पाकिस्तान पर बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है। खुशी का पल है। हमारे विंग कमांडर अभिनंदन कुमार को पाकिस्तान के शिकंजे से छुड़ा लिया गया है। भारत को सौंप दिए गए हैं विंग कमांडर अभिनंदन कुमार। पाकिस्तान भारत के आगे झुका। भारत की कूटनीतिक सफलता मिली है। भारत की पाकिस्तान पर यह बहुत बड़ी जीत है। दोस्तों आपको बता दें, कल MiG-21 जो कि भारत का विमान था, लड़ाकू विमान था, जिसमें फाइटर प्लेन था, इसको उड़ा रहे थे अभिनंदन ने कब्जे में ले लिया था। जिसके बाद कल से ही भारत द्वारा दबाव बनाया जा रहा था पाकिस्तान पर कि अभिनंदन कुमार को भारत को सौंप देना चाहिए 24 घंटे के अंदर में, नहीं तो पाकिस्तान को इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी कि शायद पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ये भारत की नीति रंग लाई और पाकिस्तान को भारत के आगे झुकना पड़ा है। पाकिस्तान ने भारत को अभिनंदन कुमार विंग कमांडर को सौंप दिया है। ये बहुत बड़ी खुशी है। इससे बड़ी भारतीयों के लिए कोई नहीं हो सकती। अभिनंदन कुमार के घर में खुशी का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है। अभिनंदन कुमार को आते ही स्वागत के साथ सेना ने गोदी में उठा लिया था। यह बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, बड़ी न्यूज निकल कर सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय दबाव में पाकिस्तान को झुकना पड़ा, भारत के सामने घुटने टेकने पड़े पाकिस्तान को, और विंग कमांडर अभिनंदन कुमार को सौंपना पड़ा। बूत किया जाएगा जैश के सारे ठिकानों पर, और जैश के जो सरगना है मोहम्मद मसूद अजहर और हाफिज सईद को सौंपने के लिए बोल दिया है पाकिस्तान को। यदि पाकिस्तान इसमें कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर होगी, अन्यथा पाकिस्तान को अंजाम भुगतने के लिए बोल दिया है भारतीय सेना और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने। ये बहुत बड़ी दोहरी जीत है पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान को अंजाम भुगतने को बोल दिया गया है। जल्द से जल्द कार्रवाई करने को कह दिया गया है। यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस समय की। आपको बता दें, अभिनंदन कुमार विंग कमांडर को जो कल MiG-21 के साथ पाकिस्तानी LOC को पार करके पाकिस्तान वाले इलाके में चले गए थे, जिसको बिग पड़ा जेनेवा समझौते के तहत अभिनंदन कुमार को, और अभिनंदन कुमार सकुशल भारत लौट आए हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है सभी हिंदुस्तानियों के लिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लीजिए यदि आप हिंदुस्तानी हैं, और जितने भी मोदी सपोर्टर हैं इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे आपको एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए SN न्यूज़। जल्द ही बड़ी खबर आने वाली है आपके लिए, क्योंकि सीमा पर बहुत बड़ी कार्रवाई की जाने वाली है कुछ ही देर में भारत की ओर से पाकिस्तान की तरफ। ये बहुत बड़ी खबर देने वाले हैं हम कुछ ही देर में आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत को पाकिस्तान पर यह बड़ी कूटनीतिक, राजनीतिक और सैन्य जीत मिली है। पाकिस्तान पर दबाव बनाया गया था भारत की ओर से, जिसमें भारत के सामने पाकिस्तान गए थे और MiG-21 को पाकिस्तानी वायुसेना ने क्रैश करके गिरा दिया। तब MiG-21 के जो चालक थे अभिनंदन कुमार, वो पैराशूट से कूदकर पाकिस्तानी सरजमी पर उतरे और अपनी जान बचाई, और पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अपने शिकंजे में ले लिया था। अब भारत की तरफ से उन पर बड़ा दबाव बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तौर पर, कूटनीतिक, राजनीतिक और सैन्य ताकत के द्वारा, जिसमें भारत को बहुत बड़ी सफलता मिली है, और भारत उस दबाव को सफलता में बदलने में कामयाब रहा, और भारत के सामने पाकिस्तान को कोई ऑप्शन नहीं रहा, और पाकिस्तान को भारतीय सेना, राजनीति, कूटनीति और सैन्य ताकत के सामने झुकना पड़ा, और भारत को सौंप दिए गए हैं हमारे जवान विंग कमांडर अभिनंदन कुमार। ये बड़ी खबर कही जा सकती है भारत के पाले में जो पाकिस्तान ने गेंद डाली थी कल भारतीय वायुसेना और थल सेना की पीढ़ियों तक, सदियां याद करेंगी, सदियां तक गुजर जाएंगी संभलने में। ये बड़ी खबर कही जा सकती है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो हाई कमीशन की बैठक हुई, उसमें बयान दिया गया है पाकिस्तान को जब भारत को सौंप दिए गए थे अभिनंदन कुमार। ये बड़ी खबर कही जा सकती है, हमारे लाल अभिनंदन कुमार हमारे देश में सकुशल लौट चुके हैं, और पाकिस्तान को जवाब दे दिया गया है कार्रवाई करने का, और पाकिस्तान ने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द, आप सोच नहीं सकते इतनी जल्दी हम वो कार्रवाई करेंगे जो आप नहीं सोच रहे, उससे बड़ी कार्रवाई करेंगे, यानी कि हम जैश को समाप्त करने के लिए आपके साथ कृत संकल्प है। सऊदी अरब ने भी दिया है,
और आपको बता दें दक्षिण कोरिया ने भी भारत का ही समर्थन किया है, साथ में इधर नेपाल वगैरह जितने भी देश हैं ये भारत के साथ हैं और सैन्य ताकत भी साथ देने को तैयार है, यानी अपनी सेना भी भेजने को तैयार है भारत के लिए पाकिस्तान पर कार्रवाई करने को, और सैन्य के साथ जितनी भी सैन्य ताकत है हथियारें वो भी देने को तैयार हैं। आपको बता दें इराक और अफगानिस्तान और इसराइल ने और रूस ने तो मिसाइलें भी भेजी हैं भारत को, मिसाइलें दी हैं पाकिस्तान को माकूल जवाब देने के लिए। बड़ी जीत कही जा सकती है भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के ऊपर, बहुत बड़ी सफलता मिली है भारत को और हमारे लाल अभिनंदन कुमार सकुशल घर लौट चुके हैं, ये बड़ी खबर कही जा सकती है हिंदुस्तान की, यानी कि भारत 21 जिसको हैंडल कर रहे थे अभिनंदन कुमार वो चले गए थे पाकिस्तानी सीमा में, जिसको क्रैश कर दिया था पाकिस्तानी वायुसेना ने और अभिनंदन कुमार ने अपनी जान पैराशूट से कूदकर बचाई थी और पाकिस्तानी सेना ने अभिनंदन कुमार को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद से ही पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि अभिमन्यु कुमार को जेनेवा समझौते के तहत भारत को सौंप देना चाहिए, अन्यथा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बनाया गया था। अमेरिका रूस चीन ने भी सख्त लहजे में कहा था कि पाकिस्तान समझौतों के तहत कार्य करे, दोस्ती निभाए और भारत ने जो कार्रवाई की है जिसके ठिकानों पर आतंकवादियों के खिलाफ वो बिल्कुल सही है, उसके खिलाफ कार्रवाई न करे पाकिस्तान, अन्यथा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। भारत के साथ अमेरिका खड़ा है, ब्रिटेन खड़ा है, रूस खड़ा है, चीन खड़ा है, अफगानिस्तान खड़ा है, इराक खड़ा है, इसराइल खड़ा है, जितने भी देश की तरफ से। जल्द मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए वीडियो को भारत माता के नाम पर लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ में चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लीजिए ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए। तो चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा हिंदुस्तान ऐसे ही आबाद था, आबाद है और आबाद रहेगा। बोलिए भारत माता की जय।